हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसमा और आप देख रहे हो क्रेजी स्टडी। इससे पहले वाला वीडियो में कुछ करेंसी आपको बताए थे, तो आज हम बताने वाले हैं और कुछ इम्पोर्टेंट कंट्री के बारे में उसका करेंसी के साथ। तो देखिए, सबसे पहले क्या है रियल। रियल को बहुत इजी तरीके से याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक है बॉयस आई क्यू। बॉयस आई क्यू इसका आप ऐसे याद रखिए, बॉयस का आई क्यू क्या होता है, जनरली रियल होता है, मतलब उनका आई क्यू बहुत अच्छा होता है। तो ये सोचिए बॉयस का आई क्यू अच्छा है, बॉयस आई क्यू। बॉयस आई क्यू क्या है, रियल है। तो इसका करेंसी है रियल। इसका ट्रिक क्या है, बॉयस आई क्यू। तो बी से क्या आया, बी फॉर ब्राजील। इसका एक्सेप्शन है ब्राजील का है रियल, और ओ फॉर वोमन, वाई फॉर ईमन, एंड आई ईडन, क्यू कतर। तो क्या बोले, बॉयस आई क्यू फॉर रियल, बी ब्राजील, ओ वोमन, वाई ईमन, एंड आई ईडन, क्यू कतर। नेक्स्ट करेंसी है डॉलर। तो देखिए डॉलर का ट्रिक है सीता जी वन से कहाँ आए। ठीक है, इसका ट्रिक है सीता जी वन से कहाँ आए। एक्चुअली हम लोग सबको ही रामायण पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं सीता सीता का वनवास हुआ था। तो सीता वनवास में गए थे, लेकिन वन से कहाँ आए मतलब हम लोग को आज तक पता नहीं चला, आए ही नहीं। सीता जी वन से कहाँ आए, इसका ट्रिक है सीता जी वन से कहाँ आए। तो कौन सा करेंसी का है, डॉलर। डॉलर का ट्रिक है सीता जी वन से कहाँ आए। तो सीता स्टैंड्स फॉर सिंगापुर एंड ताइवान, CSI फॉर सिंगापुर एंड TA फॉर ताइवान, एंड JI फॉर जिम्बाब्वे, एंड BN, B फॉर बारबाडोस, N फॉर न्यूजीलैंड, और C फॉर सेंट्रल लुइस। यहाँ पे से मतलब सी को हम से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, और कहाँ जो है क फॉर कनाडा, क कनाडा, एंड ह जो है ये है हांगकांग, कनाडा एंड हांगकांग, एंड आई यहाँ पे देखिए आई ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, एंड सेकेंड ए फॉर अमेरिका। ठीक है, तो क्या बोले डॉलर करेंसी का कौन सा कंट्री का है, सिंगापुर, ताइवान, जिम्बाब्वे, बारबाडोस, न्यूजीलैंड, सेंट्रल लुइस, कनाडा, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यूरो। यूरो यूरो का करेंसी करेंसी क्या है, यूरोपियन कंट्रीज जनरली यूज करते हैं। इसका ट्रिक क्या है याद रखने का, कौन सा कंट्री यूज करता है यूरो करेंसी नॉर्मली। इसका ट्रिक है GFF इज बैक एंड स्माइल प्लीज। तो आपका GFF अगर बैक आ गए मतलब आपका ब्रेकअप हो गया था, तो GFF वापस आए तो आप स्माइल तो जरूर करेंगे। तो इसका ट्रिक है GFF इज बैक एंड स्माइल प्लीज। तो जी फॉर ग्रीस एंड ए फ्रांस, सेकेंड एफ है फिनलैंड, GFA फॉर ग्रीस, फ्रांस एंड फिनलैंड, और इज आयरलैंड एंड स्पेन। बैक BAC, बी फॉर बेल्जियम, ए फॉर ऑस्ट्रिया, एंड सी फॉर साइप्रस, एंड एन फॉर नीदरलैंड। स्माइल क्या है, एस फॉर स्लोवेनिया, एम स्टैंड फॉर माल्टा, आई इटली, एंड ए लद्विया, एंड ई है एस्टोनिया। नेक्स्ट प्लीज PLLS, P फॉर पुर्तगाल, L लुक्सेमबर्ग, एंड L है लिथुआनिया, एंड S फॉर स्लोवेकिया। तो नॉर्मली यूरो करेंसी को आप कैसे याद रखेंगे, GFF इज बैक एंड स्माइल प्लीज, GFF इज बैक एंड स्माइल प्लीज। ग्रीस, फ्रांस, फिनलैंड, आयरलैंड, स्पेन, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, नीदरलैंड, स्लोवेनिया, माल्टा, इटली, लैटविया, एस्टोनिया, पुर्तगाल, लुक्सेमबर्ग, लिथुआनिया, स्लोवाकिया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए कुछ सम अदर इम्पोर्टेंट कंट्रीज है जिसका मतलब एक कंट्री का देखिए करेंसी अलग अलग है। तो साउथ एंड नॉर्थ कोरिया जो है उसका करेंसी है ओन। चाइना चाइना का करेंसी है रेनमिनबी और युआन। जापान ईएन। रशिया का है रूबल। थाईलैंड का है बात, एंड म्यांमार का कैट, और इसका ऑरिजिनल नाम है नेफ्यूडियो, और तुर्की का है लीरा, एंड स्विट्जरलैंड का क्या है, स्विस, एंड
स्विस फ्रैंक, स्विट्जरलैंड का क्या है, स्विस फ्रैंक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, ये याद कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। और कुछ स्टैटिक जीके के बारे में आपको अगर जानना है तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।